तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार और सभी का एक बार फिर से स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आज आईटीबीपी ड्राइवर जो फिजिकल है उसके बारे में आज की जो ताज़ा अपडेट है वो मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज जो फिजिकल में हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। पीएसटी एंड पीईटी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रहेगी और आज के जो टेस्ट में कितने लड़के फेल हुए, कितने पास हुए, उसके बारे में भी आज जो जानकारी है यहाँ पर हम आपके सामने साझा यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों से जो मिल पा रही जानकारी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज जो फिजिकल हुआ है, पहली बात तो 50-50 का बैच बनाया जा रहा है। अभी 50-50 का बैच बनाया जा रहा है। 50 लड़कों में से एवरेज एक लड़के ने बोला कि 38 पास हो गए टोटल, एक ने बताया 41 पास हो गए, एक ने बताया 39 पास हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट बात करते हैं 38-39-40 के आसपास लड़के एवरेज रूप से हर ग्रुप में पास हो रहे हैं। और बात करता हूं यहां पर जो प्रेजेंटेशन की, तो यहां पर जितने लड़कों को बुलाया जा रहा है उन लड़कों में से जमाना कि 50 लड़के हैं, 50 लड़कों को बुलाया है, तो यहां पर लगभग 42 से 43 लड़के यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि जो उपस्थिति है लगभग 80-85% यहां पर उपस्थिति है वो यहां पर रह रही है। यानी कि सीधी सी बात है 97,000 जो फॉर्म है इनमें से फिजिकल देने के लिए लगभग 80-85,000 बंदे जाएंगे। ठीक है, अब बाकी आंकड़ा बाद में वो पता चलेगा कि एक्यूरेट जो कितना क्या है रहा है। अब इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, जो सबसे पहले यहाँ पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके जो आपास में एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास में होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है भाई, मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, और आप बैग ले जा सकते हैं, बैग आपका जो है बैग में सामान और बैग आप ले जा सकते हैं। कुछ लड़कों का कहना है कि उन्होंने मोबाइल भी अंदर ले गए थे बैग के अंदर डाल के, तो ये गलत चीज़ है, आप ऐसा मत करना, पकड़े जाने पर जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप करना मत। तो बैग अंदर ले जाया जा सकता है, मोबाइल अंदर ले जाना मना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपका जब फिजिकल होता है तो आपकी रनिंग होती है। रनिंग में साथियों यहाँ पर रनिंग आपकी 1600 मीटर की है, 1600 मीटर की रनिंग है, 7:30 यानी कि 7:30 का टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है, मौका केवल एक है रनिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका हाई जंप होता है, हाई जंप में आपको 3 अवसर मिल रहे हैं, 3.5 फीट आपको हाई जंप लगाना है। इसके अलावा बात करता हूँ 11 फीट का लॉन्ग जंप है भाई, 11 फीट लॉन्ग जंप है, एकदम आसान लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, 3 अवसर यहाँ पे दे रहे हैं। आपकी बात करता हूँ पीएसटी की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो यहाँ पर दोस्तों जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है जिसमें हाइट और चेस्ट जो आपकी नापी जा रही है, तो वहाँ पर हाइट में और चेस्ट में भी एक दो लड़के निकल रहे हैं। नाम मात्र के लड़कों को यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, लड़कों को बाहर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात बता दूँ मैं आपको, अगर हाइट आधा एक इंच या सेंटीमीटर की अगर आपका गेप है तो आपको पास कर दिया जाएगा, बाकी अगर आप कम है तो कम है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो आपको फेल होना पड़ेगा, लेकिन अगर किनारे पे हैं संभव है तो वो पास ही कर रहे हैं, वो कम से कम लड़कों को यहाँ पर फेल है वो करना चाह रहे हैं। तो जो साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा एक तो रनिंग का आपको ध्यान रखना है कि रनिंग आप आराम से कर लेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखना है। दूसरी बात हाई जंप लॉन्ग जंप का आप देख लेना अपने हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना अति आवश्यक है। पास भी लड़के काफी हो रहे हैं, जो लड़के मतलब कि 50 लड़कों का बैच बनाया जा रहा है रनिंग के लिए, 50 में से 45 लड़के रनिंग में पास हो रहे हैं। ठीक है, 5 लड़के मात्र फेल हो रहे हैं, और ये जो 5 बाकी के 5 है वो अदर एक्टिविटी में फेल हो रहे हैं, जैसे कि हाई जंप है लॉन्ग जंप है यहां पर हो जाते हैं, चेस्ट में हाइट में यहां पर भी हो जाते हैं, तो यहां पर भी संभावना एक आध की रहती है। तो आप चिंता ना करें, आप बढ़िया तैयारी करते रहें और बढ़िया तैयारी करके आप जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता आपको करनी नहीं है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों अगर आप आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें भाई। जो मेरे प्रिय मित्र जो आप अपडेट चाह रहे हैं, आपको हर समय के अपडेट चाहिए आईटीबीपी के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में आप इस सेशन को भेज सकते हैं भाई, है ना। तो आगे जल्द ही मैं और एक नया सेशन लेने आऊंगा जिसमें आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प या नीड आपकी आवश्यकता है कोई जो पूरी नहीं हो पा रही है आईटीबीपी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स को लेके, फिजिकल को लेके,
तो आप यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूँगा, आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर 8764188848। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।